हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जैविंद मौर्य, केंद्रीय विद्यालय दिरांग, अरुणाचल प्रदेश से। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए TGT परीक्षा 2016 उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक कला का क्वेश्चन पेपर और आंसर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 यूपी TGT में। इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो मार्च में 9 तारीख को 2019 में हुआ था। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे कौन? K.S. कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, गुआश और तैलवर्ण का उपयोग करता है। K.G. सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर बीरभूम के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। विनोद बिहारी मुखर्जी इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? दृश्य चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्न्स्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। पियोरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था, प्रारंभिक पुनर्जागरण का। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? राम किंकर बैच। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो इसमें दोस्तों उदयगिरी सही है। अगला क्वेश्चन, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है, बनारस। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, क्या नहीं है? नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, ये जोगीमारा का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस दमयंती के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा जी। अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत किया गया था, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां अगर पूछा जाएगा तो इस ऑप्शन में शिव होना चाहिए था, वो नहीं आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बादामी गुफाएं
किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं तमिलनाडु में। बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है अवधेश मिश्र से। पल्लव वंश की राजधानी यहां स्थित थी कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन, वास चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य। मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। श्याम बेनेगल हैं फिल्म निर्देशक। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीजों को चित्रित करने की कोशिश की। KCS पड़िकर। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखिए। सुधीर पटवर्धन। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। KG सुब्रमण्यम। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर। वेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार है नीलिमा शेख। के चित्रों में हम ज्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देखते हैं। किसे? ए रामचंद्रन को। इनका पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुक्त चीजें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज का उपयोग करता है। विवान सुंदरम। ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? एस एच रजा। सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार है दिलीप दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं भूपेन खक्कर। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व ने किया। किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। जोगेन चौधरी। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। सुजाता। द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र को द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? एडवर्ड मंच। अगला क्वेश्चन, कन्हेरी गुफा कहां स्थित है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? रामकिंकर बैच। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे असित कुमार हल्दार।
अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है, समकालीन कला? इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, बौद्ध मंदिर, जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़, अजंता गुफाओं का कब पता चला, 1819 में जॉन स्मिथ ने अजंता गुफा की खोज की थी। अजंता गुफाएं के पास स्थित है किसके, औरंगाबाद। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया, राष्ट्रकूट। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है, टेम्परा। बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया है, चालुक्य वंश के द्वारा यह विकसित किया गया है। ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है ए रामचंद्रन, अच्युतन रामचंद्रन से। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, श्वेतांबर। उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, नीला। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, विंध्याचल। आर वी साखलकर है कला इतिहासकार। हरिपुर पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, विनोद बिहारी मुखर्जी। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठनी को चित्रित किया निहाल चंद ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया है, सुधीर पटवर्धन। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इनसे प्रभावित हैं, मुगल लघु चित्र, जापानी वुडकट, पाश्चात्य आधुनिकता, ऊपरी सभी यहां पे तीनों से प्रभावित है। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है, रणवीर सिंह बिष्ट की। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहां से हैं, पंजाब से। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है, भारतीय लाल। अब्दुल रहमान चुगतई संबंधित थे बंगाल शैली से। अगला क्वेश्चन, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बांड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार है, अतुल डोडिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है, राम सुतार। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी कला जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं, समीर मंडल। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए, गंगा अवतरण। अगला क्वेश्चन, 1508 से 1511 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था, राफेल सेंजियो ने। कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है,
मदर टेरेसा। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है फ्रेस्को। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, दोस्तों ये क्वेश्चन गलत किया गया था, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, ऑप्शन में होना चाहिए था प्रागैतिहासिक काल। अगर प्रागैतिहासिक काल नहीं होता तो मध्य पाषाण काल होना चाहिए था, जिसे हम इंग्लिश में मेसोलिथिक एज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा स्थित हैं भारत में। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की। बाघ गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। भारत माता के चित्रकार कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र। बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश। बादामी गुफा संख्या एक की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है जैन लघु चित्र। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? भूरा। अगला क्वेश्चन, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं मूर्तिकला। कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है जैन धर्म का। हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार है नंदलाल बोस। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है इसकी रचना की है? गुलाम मोहम्मद शेख ने। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता है, राम कुमार। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया, जी आर संतोष। अगला क्वेश्चन है, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए, नसरीन मोहम्मदी। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? मदरलाल नागर। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? निकोलस रोरिक। सोमनाथ होर संबंधित थे प्रिंट मेकिंग से। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसने धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है उसके रचनाकार हैं अतुल डोडिया। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली, भूपेन कक्कर। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल यहां से हैं, अहमदाबाद। नंदलाल के
कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए, अजंता भित्त चित्र। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसे रेई क्या है? छोटे रंगीन घन। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम वादी कलाकारों में से एक है कार्ल आंड्रे। किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नजदीक हैं? भोपाल। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली षाड़ और बाघ की। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता इसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों का उपयोग। एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात है? मूर्तिकार। प्रसिद्ध बौद्ध भित्त चित्रकला पद्मपाड़ी बोधिसत्व स्थित है अजंता गुफाएं। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अजंता गुफा संख्या एक का चित्र है वज्रपाड़ी। राजा कृपाल पाल 1678 से 1731 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे बसोहली स्कूल के। बादामी गुफा संख्या चार की छवियां हैं आदिनाथ जैन तीर्थंकर। सित्तन वासल गुफाओं के छत पर की गई छवियां दिखाई देती हैं कमल सरोवर। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है एमएफ हुसैन से। चालुक्य वंश की राजधानी यहां स्थित थी बादामी। महावीर 24वें जैन तीर्थंकर का जन्म चित्रित किया गया है कल्पसूत्र में। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी। भागवत पुराण इनकी कहानी है त्रिशूल की। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी। द इनर आई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? केजी सुब्रमण्यम। जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए, अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। अगला क्वेश्चन, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में किसका चित्र है? अमृता शेरगिल। अगला क्वेश्चन, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताएं जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। एफ एन सूजा, इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अगला क्वेश्चन, KCS पाडिकर इसके चित्रकार थे चोलमंडर कलाकार समूह के। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है किससे? ये क्वेश्चन दोस्तों गलत किया गया था।
इस मेघदूत वास चित्र श्रृंखला जो है, अगर इसका आंसर सही देखा जाए तो राम गोपाल विजय वर्गीय होंगे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया, इस क्वेश्चन को गलत किया गया था। आपको सही आंसर जान लीजिए, मेघदूत जो है राम गोपाल विजय वर्गीय का। बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन गलत किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये यूपी टीजीटी 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम जो 2019 में मार्च में हुआ था, तो उसे हमने सॉल्व किया और ये आंसर की से हमने पूरा इसको मिला लिया है अच्छे से, फिर जाके हम आपके सामने इसे प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें और आप इसे नोट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हमारे चैनल पे। आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।